Dear students, in this lecture we will discuss about Indian numeration system and international numeration system. How can we read a number? How can we use commas between digits? This type of problem we have to discuss in this video, and I will solve exercise 1.1. Okay, let us start. First one is an aid in reading and writing large numbers. An aid in reading and writing large numbers. We introduce here some boxes and write their names. From right side, this box represent ones. After that, tens. After that, hundreds. After that, thousand. After that, 10,000. After that, lakhs. After that, 10 lakhs. And after that, crore. After that, 10 crore. Just same like we have to increase here boxes, and the name of boxes Arab, 10 Arab, Kharab, these are the boxes include in the left side. We use these boxes to represent the place value of the given digits. जितनी भी digits दी जाती हैं उनकी हम place value जो है रिप्रेजेंट करने के लिए इन बॉक्सेस का यूज करते हैं. ये देखिए, ये वंस हैं, ये टेंस हैं, ये हंड्रेड है, ये थाउजेंड है, ये 10,000 प्लेस को दिखाएगा, ये लैक को दिखाएगा, ये 10 लैक को दिखाएगा, ये करोड़ को दिखाएगा, ये 10 करोड़ को दिखाएगा. ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये जो है ये आपका यहाँ तक वंस, टेंस, हंड्रेड, यहाँ पर एक कॉमा आपका यूज होगा और दूसरी फैमिली आपकी क्या हो जाएगी, हंड्रेड के बाद थाउजेंड, 10,000. तो 10,000 पर भी एक फैमिली जो है थाउजेंड की ख़त्म हो रही, यहाँ पर कॉमा यूज़ होगा. फिर लैक, 10 लैक, यहाँ पर भी एक फैमिली ख़त्म हो रही है तो यहाँ पर भी कॉमा यूज़ होगा. और करोड़, 10 करोड़, इसके भी बाद यहाँ पर कॉमा यूज़ होता रहता है. ठीक है, ये आपका इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम है. अब इसमें कैसे हम नंबर इंट्रोड्यूस करके उसको रीड करते हैं. सपोज करिए आपको एक नंबर दिया है 257, तो यहाँ से इसको इनपुट करिए, क्या होगा, यूनिट प्लेस पर, वंस प्लेस पर कितना है, 7, टेंस 5, 2, हंड्रेड प्लेस पर तो क्या पढ़ेंगे, 257, 257. ऐसे भी और वैल्यू आप इंक्लूड कर लिए होते, सपोज करिए यहाँ पर और 2 1 होता तो क्या हो जाता. अब यहाँ पर देखिए 2,257. ओके, अगर इनकी हम प्लेस वैल्यू डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5
टेंस प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई, 200 प्लेस पर है तो 100 से मल्टीप्लाई, और 2000 प्लेस पर है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसका जो होगा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाता है। ओके, तो इस टाइप से वैल्यू हम रिप्रेजेंट करके नंबर को डिफाइन करते हैं। अब कॉमास देखिए कैसे इसका यूज़ होता है। यहाँ देखिए 100 के बाद कॉमा है तो यहाँ पर कॉमास यूज हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा ये 2257। ये कॉमा है, इंटरनेशनल में ना होकर ये आपका इंडियन सिस्टम के फॉर्म में इंक्लूड होता है। तो इस टाइप का जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम को बताता है। किसे बताता है? इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। इसे हम लिखते क्या है? इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट्स के बाद यूज हुआ है, उसके बाद सेकंड कॉमा, यहाँ पर एक फैमिली 1000 की ख़त्म होती है तब 2, फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद, फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा, ऐसे यूज होते रहते हैं। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो आपका है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, कहिए चाहे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कुछ भी कहिए, ज़्यादा हो गए सही है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, लेट अस राइट सम नंबर्स, सपोज दैट वी राइट हियर 508 01 592। अब देखिए ये नंबर लिखा है, इसको कैसे हम रीड करेंगे? यहाँ देखिए कॉमास कैसे यूज करोगे, 3 डिजिट के बाद यहाँ पर कॉमा हो गया, फिर 2 डिजिट और इधर आएंगे 1000 फैमिली के बाद, फिर लैक फैमिली के बाद यहाँ पर कॉमा, ठीक। अब कॉमास किसको रिप्रेजेंट करते हैं? प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, 5 कॉमा किसको करेगा? करोड़। यहाँ पर 0 है, उसके बाद 8 लैक, फिर 0 है, 1 है, तो ये 1000, इसके बाद 592। सिंपल, बहुत ही सिंपल है इसको रीड करना। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है, ये देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इसमें भी ऐसे हम बॉक्सेस बनाते हैं, उनकी भी हम नेमिंग करते हैं राइट से। ये आपका वंस प्लेस रहेगा, उसके बाद टेंस, हंड्रेड, उसके बाद थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड और मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर उसके बाद वैल्यूज आपकी चलती रहती है। ओके, इस टाइप से ये वैल्यूज़ हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब बिलियन आएगा, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, ट्रिलियन आएगा, फिर 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ये आता रहता है।
यहाँ पर भी हम फैमिली के अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉमा, फर्स्ट कॉमा तो यहाँ पर ही लगेगा। सेकंड, अब थाउजेंड फैमिली का देखिए कितना है, 1, 2, 3, ये यहाँ पर लगेगा, मतलब थ्री प्लेसेस के बाद, थ्री डिजिट के बाद फिर से लगेगा कॉमा, फिर थ्री डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, मतलब थ्री डिजिट के बाद कॉमा लगता रहता है। और इंडियन में क्या था, पहले थ्री पर फिर टू पर लगा है कॉमा, ठीक। अब सपोज करिए यही होता और इसी को हमें यहाँ पर लिखना होता, तो क्या होता, यहाँ पर 2, 9, 5, 1, 0, 8, 0, 5। अब हम कॉमा यूज़ करते, तो यहाँ देखिए फर्स्ट कॉमा तो यही था, सेकंड कॉमा यहाँ पर यूज़ होगा ना, और थर्ड कॉमा इसके बाद यूज़ होता तो यहाँ पर ये है, तो ये क्या हो गया, ये देखिए 50 मिलियन हो गया, 801,000 हो गया, 592 हो जाएगा। 50 मिलियन हो गया, देखिए मिलियन फैमिली का मेंबर, 801,000 फैमिली का मेंबर है, 801,592 ये आपका हो जाता है। तो इस टाइप से ये वैल्यू आपकी जो है डिफाइन की जाती है। इट इज़ वेरी सिंपल, विद द हेल्प ऑफ दीज टू न्यूमरेशन सिस्टम वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस विच इज गिवन इन आवर एक्सरसाइज। लेट अस कंसीडर एक्सरसाइज 1.1। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट आस्क fill in the blanks, these two numeration system we will use and fill in the blanks. Let us see first question. In first question, 1 lakh is equal to dash 10,000. First question A, 1 lakh is equal to dash, fill in the blank है, 10,000. C, 1 lakh means here we write 1 and the other values are 0, 0, 0. In 1 lakh 10,000, यहाँ देखिए ये 10,000 है ना, यहाँ पर लिखेंगे और इसके बाद 0, 0. अब इसमें देखिए कितने जीरो हैं लाख में, 1, 2, 3, 4, 5, 5 जीरोज़ हैं ना, और 10,000 में कितने जीरोज़ हैं, 1, 2, 3, 4, हमें ज़ीरो कितना बनाना है, 5, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, तो 5 जीरो हो जाएगा ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 10,000, इट इज़ क्लियर, 10,000 हो जाएगा यहाँ पर फिलअप। ऐसे आप ऑप्शन बी में देख लीजिए, बी में लिखा है 1 मिलियन, अब आपसे 1 मिलियन इज इक्वल टू पूछा है डैश, और आपको फिलअप करने के लिए दिया है 100,000, यहाँ पर 100,000। आइए देखते हैं, ये देखिए मिलियन है ना, 1 मिलियन यहाँ पर है मिलियन, तो यहाँ पर 1 हो गया, बाकी सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 0, 0, 0, 0। अब यहाँ पर 100,000 हमारे पास, देखिए 100,000 ये है ना, ये दिखाई दे रहा, ये 100,000 है, यहाँ पर हमने 1 कर दिया, अब अगर यहाँ पर हमने 1 कर दिया तो इसके बाद 0, 0, 0, 0, 0, ओके। लेट अस कंसीडर हाउ मेनी जीरोज इन 1 मिलियन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरोज, एंड इन
100,000 में कितने जीरोज़ हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 जीरो हैं, यहाँ पर 6 जीरो हैं, तो हम कितने से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ पर 5 है तो 1 जीरो हमें और लाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 जीरो बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा, 10,100,000, इट इज़ क्लियर, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 1,000,000 आपको दिया है, 1,000,000 कितने 100,000 के इक्वल होगा, यहाँ पर 100,000 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखे, इसके बाद 0 यहाँ पर कर देंगे, बाकी सब पर यहाँ पर 1 लिखे, बाकी सारे प्लेसेस पर क्या है, 0 है। अब यहाँ पर 0 काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो है मिलियन में, 100,000 में कितने जीरो हैं, 1, 2, 3, 4, 5 फाइव जीरो है मिलियन में, 6 हैं, तो मिलियन में जब आपके पास 6 हैं और 1000 में आपके पास कितने हैं, 5 जीरोज हैं, तो हमें 6 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ क्या फिलअप किया जाएगा, 1,000,000, इट इज़ क्लियर। नाउ वी डिस्कस अबाउट 1 करोड़, 1 करोड़ इज इक्वल टू - 10 लाख। अब आपसे 1 करोड़ और 10 लाख के बीच में पूछा है, तो करोड़ इसमें है, तो आइए यहाँ देख लेते हैं, ऑप्शन ए एंड बी क्वेश्चन आपका हो गया। तो 1 करोड़, 1 करोड़ मींस राइट हियर 100 इज इक्वल टू 10 लाख, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है 1 करोड़ इज इक्वल टू - 10 लाख, 1 करोड़ इज इक्वल टू - 10 लाख। अब इसमें हमें फिलअप करना है, देखिए 1 करोड़ मैंने किया और 10 लाख यहाँ पर देखिए 10 लाख है, तो 10 लाख के प्लेस पर 1 हो जाएगा, बाकी सारी प्लेसेस पर आपके यही सारे जीरोज़ हो जाएंगे, 0, 0, 0, 0, 0, 0। 1 करोड़ में कितने जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 7 जीरो है, और यहाँ पर 10 लाख में 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 6 जीरोज़ है ना, तो 7 जीरो हमें बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 6 जीरो है 7 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, इट इज़ क्लियर। 7 जीरो आपके करोड़ में है और 10 लाख में 6 जीरोज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरोज हैं, तो हमें 7 लाना है तो कितना जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, तो 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10 लाख हो जाएगा। डी ऑप्शन में कहता है 1 करोड़ इज इक्वल टू -1,000,000, डी ऑप्शन में कह रहा है 1 करोड़ इज इक्वल टू -1,000,000, 1 करोड़ कितने मिलियन के इक्वल होगा, ये देखिए दोनों इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन दोनों को ही कंबाइंड कर दिया है, आइए देखते हैं। तो 1 करोड़ में आप देखिए और इधर आ जाइए मिलियन में, तो 1 करोड़ में आपको ऑलरेडी पता है 7 जीरो होते हैं, मिलियन में आ जाइए कितने जीरो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जीरो आपके पास मिलियन में है। अब आपको कितने जीरोज की ज़रूरत है, 1 जीरो की, तो इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मिलियन में, तो 1 करोड़ इज इक्वल टू 10,000,000 हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन ई कहता है 1,000,000 इज इक्वल टू कितना लाख होगा, 1,000,000 इज इक्वल टू -1,000,000। अब देखिए 1,000,000 आपको 1,000,000 यहाँ है पता है, 6 जीरो है, लाख में आ जाइए यहाँ पर है, यहाँ ये लाख है, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 जीरोज़ है ना, आपको चाहिए कितने जीरो, 6, तो 5 है 6 लाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा, 1,000,000 इज इक्वल टू 10 लाख, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू शुड डू दिस क्वेश्चन इन योर फेयर कॉपी। डियर स्टूडेंट्स लेट अस मूव
further in question number second, place commas correctly and write the numerals. Place commas correctly and write the numerals. हमें commas यूज करने हैं और numerals को write करने हैं. आइए देखते हैं questions. Question second आपका. अब जो family जहाँ पर end होगी वहाँ पर हम commas यूज करेंगे, ठीक है? जैसे फैमिली एंड होती है वैसे हम तुरंत कामा वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं. ये तो आपके दिमाग में बैठ ही गया होगा. चलिए इसको इरेज ही कर देते हैं. सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट देखिए. इन क्वेश्चन 73 लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड 307. This is the given number. मैंने बताया कि प्लेस वैल्यूज जो आपकी हैं वहाँ पर आप कामाज यूज करोगे. तो यहाँ देखिए पहला कामा 3 के डिजिट के बाद लगता है, तो 307 है ना, तो यहाँ पर कामा यूज हो जाएगा. थाउजेंड के प्लेस पर, इस थाउजेंड के प्लेस पर कामा यूज होगा और ये 73 लाख के प्लेस पर कामा यूज होगा. तो ये दो कॉमाज आपके इंट्रोड्यूस यहाँ पर हो जाएंगे. तो इसको लिखेंगे क्या, 73 मींस दिस वैल्यू 73 लाख. अब 75,000 कहता है तो 75,000 इसको हम स्ट्रक्चर के थ्रू करें ऐसे, ज़्यादा क्लियर होगा. 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 10 लाख. अब कहता है कि 73 लाख, तो यहाँ 73 हो गया, लाख यहाँ पर काम लग गया. 75,000 यहाँ पर थाउजेंड हो गए, यहाँ पर भी काम हो गया. फिर उसके बाद 300, 307 टेंथ प्लेस पर जीरो हो गया, 307. तो 73,75,307. इट इज़ वेरी सिंपल. तो इस प्रकार से प्लेस वैल्यू को आप आइडेंटिफाई कर करके यहाँ पर वैल्यूज़ क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. तो आप पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसके बाद उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर हम रख रख के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. बहुत ही सिंपल वे से आपका क्वेश्चन जो होता है सॉल्व हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आती है. इट इज़ क्लियर. सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व इट्स ए बी सी डी. ए तो मैंने सॉल्व किया, आप जो क्वेश्चंस बच रहे हैं बी सी डी ई इसे सॉल्व करिएगा. लेट अस मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन. इंसर्ट कॉमाज सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ नोमरेशन. कह रहा कि कॉमाज को इंसर्ट करिए और इंडियन सिस्टम ऑफ नोमरेशन में इसकी वैल्यूज जो है आप डिफाइन करिए. इट इज़ वेरी सिंपल. हाउ कैन बी डिफाइन, लेट अस कंसीडर क्वेश्चन ए. थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट ए. इन दिस क्वेश्चन रिटन हियर
8759 5762. This value is written here. You should check this value. It is correct. Okay. Let us move further. हमने इंडियन सिस्टम में क्या किया, पहले हम थ्री डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं ना, तो यहाँ पर लग गया। फिर इसके बाद टू टू के बाद कॉमा लगा देते हैं। ये देखिए, ये कॉमाज किसको बताते हैं, प्लेस वैल्यूज को बताते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट कॉमा कहाँ लगता है, थाउजेंड पर, सेकेंड कॉमा लाख पर, और थर्ड कॉमा करोड़ पर लगता है ना। तो ये देखिए, इसको कैसे आप रीड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हमने इसको ऐसे डिफाइन किया है। आप चाहो तो इसको ऐसे बॉक्सेस भी बना सकते हैं, यहाँ पर ऐसे देखिए, यहाँ पर टू सिक्स सेवन फाइव नाइन फाइव सेवन एट, राइट हियर द प्लेस वैल्यू, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैक करोड़, कॉमाज वैल्यू हियर फर्स्ट हियर सेकेंड एंड हियर थर्ड का, और हियर दिस वैल्यू एंड राइट एट करोड़ सेवेंटी फाइव लैक नाइन्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी टू, एट करोड़ सेवेंटी फाइव थाउजेंड नाइन्टी सेवेंटी फाइव लैक सॉरी लैक नाइन्टी फाइव थाउजेंड नाइन्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी टू, सिक्सटी टू सेवन हंड्रेड सिक्सटी टू, एट करोड़ सेवेंटी फाइव लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी टू, एट करोड़ सेवेंटी फाइव लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी टू। यहाँ देखिए, कॉमाज आपको फैमिली के अराउंड ही यूज़ करने होते हैं, मैंने बताया। यहाँ देखिए, थाउजेंड के प्लेस पर होगा कॉमा, लैक के प्लेस पर होगा कॉमा, और करोड़ के प्लेस पर होगा कॉमा। थ्री कॉमाज यूज़ किए गए हैं ना, यहाँ देखिए थ्री कॉमा यूज़ भी हुए, वन टू थ्री। तो ये आपके कॉमाज यूज हो के वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं। ओके, लेट अस कंसिडर अबाउट क्वेश्चन नंबर फोर। इन क्वेश्चन फोर, इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब कॉमास को इंसर्ट करके हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में डिफाइन करना है। तो ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन था। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन बहुत ही सिंपल है, और इंटरनेशनल भी बहुत ही सिंपल है। इंटरनेशनल में कॉमाज हम क्या करते हैं, फैमिली मेंबर थ्री थ्री पर यूज करते हैं। तो इस टाइप से आप थर्ड के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। आइए फोर्थ का देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट, ए सेवन एट नाइन टू वन जीरो नाइन टू। चलिए
हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पर। जी ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, नौ मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन। ओके अब इनको इंसर्ट करिए, ये जो डिजिट्स हैं इनको इंसर्ट करें, क्या होगा, टू नाइन ज़ीरो वन टू नाइन एट सेवन। काम आज मैंने बताया आपको फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग, थ्री थ्री पर, यहाँ पर थ्री पर, यहाँ पर थ्री पर, ठीक थ्री थ्री डिजिट पर आपने कॉमाज यूज किया राइट साइड से। अब यहाँ पर क्यों किए, क्योंकि फैमिली मेंबर स्टार्ट होता है ना, ये देखिए यहाँ पर किए तो ये थाउजेंड फैमिली, हंड्रेड थाउजेंड के बाद यहाँ पर यूज़ हुआ है ना, थाउजेंड फैमिली का मेंबर इतना है थ्री डिजिट्स, फिर ये तो हंड्रेड टेन वंस है ही, इसके बाद आपके जो है मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन स्टार्ट हो गए। अब इनको रीड कैसे करेंगे, देखिए सेवेंटी एट मिलियन, 921,092। इट इज़ वेरी सिंपल, हाउ कैन बी रीड दिस वैल्यू, रिवाइज क्या होगा, 78,921,092 ये वैल्यू हमारी डिफाइन हो जाती है। तो यहाँ पर हम इनको भी रिटर्न में कर सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, 78 मिलियन, 78,921,092 It is very simple. $78,921,092 Similarly, you have to solve rest of the question in your exercise. Dear students, we will discuss next section in our next video. Enjoy this video and try to revise these topics which we have done in our previous lecture. If you are not able to define this value, you should ask to me. Thank you for watching this video.